और यहाँ मध्य प्रदेश में अब आपको बता दें एरियल डिस्टेंस के आधार पर अब सड़कें बनेंगी। बड़ा फैसला है जहां मध्य प्रदेश में एरियल डिस्टेंस के आधार पर अब सड़कों का निर्माण होगा। दूसरे राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी सड़क निर्माण में लागू किया जाएगा। जल्द ही एरियल डिस्टेंस के आधार पर सड़कों के निर्माण प्रोजेक्ट यहां पर तैयार किए जाएंगे। ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम और बिटुमिन में बेस्ट प्लास्टिक का उपयोग होगा। क्वालिटी कंट्रोल का फील्ड स्तर पर भी विस्तार होगा। सड़कों की गुणवत्ता सुधार की यहां पर निगरानी रखी जाएगी। क्वालिटी कंट्रोल का फील्ड स्तर पर विस्तार, साथ ही सड़कों की गुणवत्ता और सुधार की भी अब निगरानी रखी जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रंजन लगातार बने हुए हैं, अपडेट लेंगे। रंजन, यहां पर बड़ा फैसला जहां एरियल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और इसके ही हिसाब से अब मध्य प्रदेश में सड़कों का निर्माण किया जाएगा। राकेश सिंह, उन्होंने अधिकारियों के साथ जो है बैठक करने का काम किया है, जिसमें साफ तौर पर अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि आने वाले समय में जो है एमपी में जितनी भी सड़कों का निर्माण होगा उसमें एरियल डिस्टेंस के आधार पर ये सड़कें जो है बनाई जाएंगी और साथ ही साथ गुणवत्ता का जो है खासा ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि हमने देखा था राजधानी भोपाल में ही जो है 2 दिनों का IRC सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें तमाम सारे देश विदेश के जो है इंजीनियर्स पहुँचे थे और खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पहुँचे थे और कई सारी चर्चाएँ हुई थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि गुणवत्ता को लेकर के जो है सड़कों पर खासा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं सड़कें तो बनती हैं लेकिन कुछ ही साल बाद जो है उसका सड़कों का निर्माण होने के बावजूद जो सड़कें खराब हो जाती हैं, लगातार सड़कों में गड्ढे देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में सरकार ने ये फैसला लिया है कि एरियल डिस्टेंस के आधार पर जो इन सड़कों का निर्माण किया जाएगा और गुणवत्ता के लिए जो है अधिकारियों की जवाबदारी होगी। जिन भी अधिकारियों को या फिर जिसको भी टेंडर दिया जाएगा उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी सड़कों को निर्माण कराने का, उसको पैच कराने का, तमाम सारी जो चीज़ें होती है उसकी जिम्मेदारी जो है अब सीधे तौर पर अधिकारियों को सौंप दी गई है। क्योंकि साफ तौर पर जब केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने कहा था कि जब हम अच्छी सड़कें बनाते हैं तो लोग तारीफ भी करते हैं, लेकिन इसके अलावा जब सड़कों का निर्माण खराब तरीके से होता है, उसमें डामर जो है वो सही नहीं लगाए जाते हैं, जिसके बाद जो है सड़कें हल्की सी बारिश के बाद जो हम देखते हैं किस तरीके से गड्ढे भर जाते हैं, तो ऐसे में जो है गुणवत्ता को लेकर के जो अब खासा ध्यान दिया जाएगा, जिसको लेकर के तमाम सारे जो अधिकारी कल बैठक में मौजूद थे उनको जो एक साफ तौर पर निर्देश दिया गया है। साफ तौर पर अगर हम बात करें तो अच्छे डामर का उपयोग किया जाएगा और जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उनसे ही जो है सड़कों के निर्माण की जो चीज़ें होती हैं वो खरीदी जाएगी, ताकि जो है लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब जो सड़कें निर्माण हो रही है, चाहे वो 4 लेन हो, 6 लेन हो या फिर फ्लाईओवर का जो निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें जो है गुणवत्ता को लेकर के खासा ध्यान रखा जाएगा। और इसको लेकर के हमने देखा था जिस तरीके से देश विदेश के इंजीनियर्स पहुँचे थे, उन्होंने भी जो है अपनी बातें की है, उसके आधार पर जो है अब सड़कें बनाई जाएंगी। बिल्कुल रंजन, बड़ा फैसला, महत्वपूर्ण फैसला मध्य प्रदेश के विकास के लिहाज से। आप बने रहिए, आप हमारे साथ, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे।